बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात होगी एक ऐसे तारीखी मुकाम की जिसके बगैर लाहौर का नाम नामुकम्मल है। अगर हम पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर की सैर करने जाएं और इस तारीखी मुकाम की सैर ना करें तो समझ जाएं कि आपने लाहौर नहीं देखा। ये मस्जिद मुसलमानों के बादशाह मुगल खानदान की एक अजीम मिसाल है। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और दुनिया की पांचवी बड़ी मस्जिद है। ये पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद की कॉपी मस्जिद दिल्ली से बहुत ज्यादा मिलती है। इस मस्जिद को औरंगजेब के वालिद शाहजहां ने बनाया था। ये मस्जिद 1671 से 1673 के दरमियान तमीर की गई थी। ये मुगल हुक्मरानों के दौर में औरंगजेब आलमगीर मशहूर बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में तमीर करवाई थी। ये पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में है और हर साल दुनिया के बहुत से मुमालिक से लोग इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर में शाह किले के नजदीक वाकिया है। ये मस्जिद बड़ी आलिशान और वसीओ अरीज है। इसके चारों कोनों में बहुत ऊंचे ऊंचे मीनार हैं। मीनार पर चढ़ने के लिए बकायदा टिकट लेना पड़ती है। सीढ़ियां इतनी ज्यादा हैं कि इंसान चढ़ते चढ़ते थक जाएगा। इस मस्जिद के दरमियान में बहुत बड़ा हौस है। मस्जिद में तीन बड़े बड़े सिंगे मरमर के गुंबद हैं। उन पर मीनाकारी और गुलकारी की हुई है जिसे देखकर मुगलिया राज की याद ताजा हो जाती है। मस्जिद में जाओ तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये मस्जिद अभी अभी तमीर की गई है। मस्जिद के बाहर डॉक्टर लामा इकबाल का मजार भी है। इस पर सिंगे मरमर का गुंबद बना हुआ है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए चार सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। ये सुरख पत्थर की बनी हुई है। सीढ़ियों के आगे ड्योरी आती है। ड्योरी के ऊपर मुसलमानों के बुजुर्गों की निशानियां पड़ी हुई है जिनकी लोग जियारत करने के लिए आते हैं। इस मस्जिद में ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन लोग दूर दूर से आकर नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद भर जाती है। लोग दरवाजे से दाखिल होते हैं और नमाज पढ़कर दूसरी तरफ छोटे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ये मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का रिकॉर्ड हासिल कर चुकी है। 1,00,000 नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। 1997 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। इसने बादशाही मस्जिद को 1799 में अपनी फौज को रखा। 1857 में बरतानिया ने बड़े सगीर पर कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 99 साल तक हुकूमत की। इसके बाद 1947 में पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मस्जिद की देखभाल की। 1949 से 1960 तक इसको दोबारा मरम्मत किया गया जिस पर 48,94,880 रुपए खर्च हुए। ये रकम आज के दौर का करोड़ों रुपया बनता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अनस्ट्रक्ट मीडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।